कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, मूजी वायरस से बचाओ आवाम घरों तक महदूद। लाहौर समेत पंजाब भर में 15 रोजा जुज़वी लॉकडाउन, 7 अप्रैल के सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शॉपिंग मॉल, तफरीही मकामात, पार्क, निजी और सरकारी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। शहर के अंदर नकलो हरकत और दूसरे शहरों को जाने की इजाजत नहीं होगी। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद, सिर्फ फैमिलीज को रियायत होगी। समाजी, मौसमी और दीगर इज्तमात पर पाबंदी होगी। हस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स, फार्मा फैक्ट्रियां खुली रहेंगी। एक मरीज के साथ दो तीमारदार इलाज के लिए हस्पताल जा सकेंगे। जरूरी मजहबी रसूमात, नमाज जनाजा और तदफीन के लिए घरों से बाहर जाने की इजाजत होगी। प्राइवेट कार में एक फर्द सफर कर सकेगा। एक खानदान में से सिर्फ दो अफराद जरूरी अद्वियात और ग्रॉसरी की खरीदारी के लिए घर से बाहर आ सकेंगे। बैंकों के औकात कार में तब्दीली, बैंक महदूद अमले के साथ सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करेंगे। तनूर, मिल्क शॉप्स, आटे की चक्कियां, चिकन, गोश्त के पॉइंट्स, मछली की दुकानें, किराना स्टोर्स, बेकरीज और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। फलाही इदारे, ईदी सेंटर, सियाही और मुफ्त दस्तरखान बंद नहीं किए जाएंगे। फ्रूट और सब्जी मंडियां, मवेशी मंडियां भी खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, ऑटो वर्कशॉप्स और ऑयल डिपो भी बंद नहीं होंगे। वासा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वापडा, एनटीडीसी और महकमा सुई गैस भी खुले रहेंगे। कोरोना के हमलों में तेजी, लाहौर में कोरोना के 51 मरीज, म्यो अस्पताल में 22 कंफर्म और 15 मुश्तबा मरीज ज़ेर इलाज। पंजाब में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 249 हो गई। 174 ज़ायरीन, गुजरावाला में 6, गुजरात में 5, जहलम में 3, मुल्तान, रावलपिंडी में 2-2 मरीज, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, रहीम यार खान, सरगोधा में 1-1 मरीज ज़ेर इलाज। अवाम हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके खुद को महफूज रखें। महकमा सेहत, 4 चीनी बाशिंदों में कोरोना वायरस की तस्दीक। चीनी बाशिंदे सी पैक के मंसूबे पर काम कर रहे थे। कोरोना के वार जारी, कैंप जेल के कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुलजिम चंद्र उसकाबल इटली से वापस आया था। मनुष्यात से मुतालिक मुकदमा दर्ज है। तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कैदी को जेल में सबसे अलग थलग रखा गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ टेस्ट किए गए जिसमें कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं, घरों में रहना ही कोरोना से बचने का वाहिद रास्ता है। अशिया खुर्दोनोश की फराहमी जारी रहेगी। फौज और सिविल इदारे इंतजामिया की मदद करेंगे। ज़ेर-ए-आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। किसी भी शहरी की नकलो हरकत कंट्रोल की जा सकेगी। किसी भी शख्स को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जा सकेगा। हुक्म अदूली पर 10 से 50 हज़ार रुपये जुर्माना या 6 माह कैद होगी। ऑर्डिनेंस की खत्मी मंजूरी आज काबीना के इजलास में दी जाएगी। शहर में जुज़वी लॉकडाउन, अशिया कोरोनोश और स्टोर्स खुले। शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला जारी। छोटी और बड़ी मार्केटों में शटर डाउन, सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। वार्निंग के बावजूद शहरी कानून शिकनी से बाज न आए। शहर में डबल सवारी पर पाबंदी की सरेआम खिलाफ वर्जी। मॉल रोड और दीगर शाहराओं पर कानून शिकनी के वाकयात। पुलिस अहलकारों ने भी डबल सवारी पर पाबंदी के अहकाम न माने। शहरी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने की फुटेज सामने आ गई। शहबाज ततला इकबाल और कत्ल केस, मुलजिम SSP मुफक्किर अदील, असद भट्टी और इरफान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भिजवाने का हुक्म। अदालत का 7 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिमान से तफ्तीश की, लाश बरामद नहीं हुई। तफ्तीशी अफसर। शहर पर बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जौहर टाउन, टाउनशिप, कोटलाखपत और
मॉडल टाउन में तेज बारिश, एबट रोड, इलामा इकबाल टाउन और मुल्तान रोड पर बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई।